वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लर्निंग कम्बाइंड विद कोडकैट 15. दिस इज योर होस्ट रवि. आज के सेशन में हम एक API से मल्टीपल इमेजेस को लोड करेंगे हमारे लिस्ट व्यू में थ्रू लेजी लोडिंग टेक्निक. लेजी लोडिंग पे ये मेरा दूसरा वीडियो है और अगर आपके लिए लेजी लोडिंग और इमेज कैशिंग ये टर्म्स नए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, लिस्ट व्यू पे भी चैनल पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है विद बेसिक नेविगेशन जिसे आप चेकआउट कर सकते हो. इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. प्रीवियस सेशन में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से MVVM पैटर्न और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम API से इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो इस वीडियो में भी हम वही सेम टेक्निक्स यूज करेंगे टू कीप अवर कोड क्लीन. सो दैट बीइंग सेट, लेट्स स्विच टू Xcode फॉर अवर डेमो एंड लेजी लोड सम इमेजेस. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में इस पर्टिकुलर एरे का यूज करेंगे. ये एरे एज ऑफ नाउ सिर्फ टेम्पररी पर्पज के लिए, दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द व्यू मॉडल. सो सबसे पहले व्यू क्रिएट कर लेते हैं. Let me first get rid of this guy. So I'll write list animals and the ID is going to be ID. Animal in. So यहाँ पे मुझे एक image चाहिए और फिर image के बाजू में जो animal है उसका नाम चाहिए. So for that we are going to use the edge stack. The very first thing is going to be the image. और जो इमेज है आई विल बी यूजिंग UI इमेज लेजी इमेज डॉट डिफॉल्ट. सो ये जो लेजी इमेज है दिस इज एक्चुअली ए स्ट्रक्चर जिसका हम यूज करेंगे थोड़ी देर में. सो लेट मी गो बैक, रिसाइजेबल स्केल टू फिट और इसे फ्रेम दे देते हैं. लेट्स कीप इट 100x100. अलाइनमेंट को रिमूव कर देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एड द टेक्स्ट which is animal.name. जो name है उसका font increase कर देते हैं and for that we'll be using the font. I think this is good. You can add some padding if you like. अब शायद कुछ developers को ये question आ सकता है कि ये जो ID है ये यहाँ कैसे आया. So if you look into the animal model तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने ID field को mention किया हुआ है जिसकी default value एक UUID है. और ये क्यों मैंने मेंशन किया है इसका रीजन मैंने ऑलरेडी लिस्ट व्यू के वीडियो में कवर किया है इन डिटेल्स. सो प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो. सो नाउ लेट्स सेट टू द व्यू मॉडल. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो एनिमल रिसोर्स है वहां पे API का कोड करके रखा हुआ है. सो अभी हमारे व्यू मॉडल में हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे. सो इनसाइड द व्यू मॉडल विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्स प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू राइट रिसोर्स डॉट गेट एनिमल लिस्ट रिस्पॉन्स एंड नाउ आई विल राइट इफ जो रेस्पॉन्स है उसका जो एरर मैसेज है इफ़ इट इज इक्वल्स टू निल, यानी कि API से हमें कोई एरर मैसेज नहीं मिला है. एंड इफ यू हैव गॉट द डेटा दैट इज इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू निल. और ये जो डेटा है, लेट मी जंप टू द मॉडल और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डेटा है दिस इज नथिंग बट एन एरे ऑफ एनिमल. तो हमें क्या करना चाहिए कि व्यू मॉडल में एक प्रॉपर्टी बनानी चाहिए जो सिर्फ इस पर्टिकुलर डेटा को रिटर्न करे. सो ओवर हियर आई विल राइट ए पब्लिश्ड, आई विल क्रिएट अ पब्लिश्ड प्रॉपर्टी पब्लिश्ड वार animals, this is going to be array of animal is equals to array of animal. और यहाँ पे क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें मेन क्यू को पास करना है, सो वी आर गोइंग टू यूज अ डिस्पैच क्यू मेन async self डॉट animals डॉट append contents of response डॉट data. अब मुझे यहाँ पे फोर्स अनरैपिंग नहीं करना है, सो लेट मी जस्ट ऐड दिस. एंड सिंस वी लव एंड केयर अबाउट द मेमोरी सो मच तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज वीक सेल्फ. अब हमारा व्यू मॉडल रेडी है बिकॉज यहाँ पे हम एक API को कॉल कर रहे हैं प्लस उस API से जो भी हमें डेटा मिलता है उस डेटा को हम पब्लिश भी कर रहे हैं. सो वट वी शुड बी डूइंग इज इनसाइड दिस कॉन्टेंट व्यू यहाँ पे ये जो हमने एक एरे बनाया था टेम्पररी पर्पज के लिए क्योंकि हम UI बना रहे थे तो इसे निकाल देते हैं. एंड ओवर हियर विल राइट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट var animal view model is equals to animal view model. और ये जो लिस्ट है यहाँ से एनिमल्स को निकाल देते हैं एंड विल रिप्लेस दिस विद एनिमल व्यू मॉडल डॉट एनिमल्स. सो लेट्स रेज्यूम दिस कैनवस व्यू. सो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा जो व्यू है इस व्यू पे कुछ नहीं दिख रहा है एंड दैट इज बिकॉज प्रीवियसली हमने एक स्टेट प्रॉपर्टी रैपर क्रिएट किया था टेम्पररली जस्ट फॉर UI क्रिएशन. लेकिन अब इस एनिमल व्यू मॉडल में हमने कोई टेम्पररी वैल्यूज एड नहीं की है. जो भी डेटा आएगा वो अब API से आएगा. UI किट बेस्ड एप्लीकेशन में हम व्यू डिड अपियर फंक्शन में APIs को कॉल करते थे
लेकिन Shift UI में इस नाम का तो कोई फंक्शन नहीं है. सो अब सवाल यह है कि what is the alternative of view did appear in Shift UI? So there is a function named onAppear. और अगर आपको onAppear पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, सो यू कैन यूज दिस onAppear perform, और यहां पे आप आपका कोड लिख सकते हो. सो what वी वॉन्ट टू डू ओवर हियर इज कि onAppear पे आई वॉन्ट टू कॉल एन API विच इज देयर इन साइड माई एनिमल व्यू मॉडल, दैट इज गेट एनिमल. सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन. सो यहाँ पे अभी तक कुछ आया नहीं है, दिस मीन्स कि हमने कोड में कहीं पे गड़बड़ की है. सो लेट मी एड अ ब्रेक पॉइंट ओवर हियर, लेट मी रन इट अगेन. तो यहाँ पे लेट्स सी जो एरर मैसेज है, लेट मी प्रिंट दिस. तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, दिस मीन्स दैट दिस वैल्यू इज नॉट निल. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा है इसमें वैल्यूज आ रही हैं. सो वट वी हैव टू डू इज ओवर हियर, रादर देन चेकिंग फॉर निल, इज एम्प्टी. एंड नाउ व्हेन आई रन दिस, सो नाउ यू कैन सी दैट अवर टेबल इज गेटिंग पॉपुलेटेड विद डेटा. लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज सर्वर से नहीं आ रही है, दिस इज द डिफॉल्ट इमेज दैट वी हैव. एंड इफ यू लुक एट द रिस्पॉन्स, सो लेट मी रन इट अगेन, लेट मी एड अ ब्रेक पॉइंट ओवर हियर. सो इफ यू लुक एट द रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज है उसका एक URL हमें मिल रहा है. सो इस URL में जो इमेज है वो हमें हमारे इमेज व्यू पे लोड करना है बाई यूजिंग द लेजी लोडिंग टेक्निक. सो वट वी आर गोइंग टू डू इज Inside this utilities group, I have something called as UI utilities, जिसके अंदर lazyimage.shift नाम की एक फाइल है. So let me make some space. तो यहाँ पे हम हमारे इमेज को lazy लोड करेंगे. So the very first thing that I'm going to do is from the content view, मैं इसे कॉपी करूँगा and I will paste it over here. आगे का कोड करने से पहले एक बार सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू ये समझ लेते हैं कि हमारा कोड का फ्लो कैसा होगा. वेब सर्विस से हमें एक इमेज URL मिल रही है, राइट? और इस इमेज URL को हम इस लेजी इमेज व्यू को पास करेंगे. लेजी इमेज व्यू खुद से इमेज को डाउनलोड नहीं करेगा, उसके लिए हम एक अलग से ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट क्लास बनाएंगे विद द नेम इमेज डाउनलोडर, जो इमेज को डाउनलोड करेगा और उस इमेज को पब्लिश करेगा टू द लेजी इमेज व्यू. सो लेट्स गो हेड एंड राइट द कोड फॉर दिस. सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्लास एड करेंगे इन साइड द UI यूटिलिटीज ग्रुप. सो आई राइट क्लिक, एड अ न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल, नेक्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी इमेज डाउनलोडर. Let's add some space. Class image downloader. और ये जो class है it is of the type observable object, जो एक value को publish करेगा, that is going to be downloaded image of the type UI image. And we'll just import the UI kit module. It is also going to have a private property, image path URL. एक init function क्रिएट करेंगे, image URL string self dot image path is equals to URL image URL. And now we'll create a function to get the image from the server. So I'll call it get image. और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक URL request क्रिएट करेंगे. URL request is equals to URL request with URL, that is self.imagePath. And then we are going to set URL request.http method is going to be get. और ये get इसलिए है because we are fetching the image from the server. That's a get operation. And now URL session shared data task, this is going to be URL request, completion handler data, response error, and let's not forget to add resume first. So the very first thing is we'll add a condition ki agar hame server se koi error nahi milta hai, so that is if error is equals to nil and the data is not equal to nil, then in that case hame ek value ko publish karna hai, which is this. So what we are going to do is we are going to make use of dispatch queue main async, aur yahan pe hum likhenge self dot downloaded image is equals to UI image data, that is going to be the data that we get from the API, which is this guy. अब यहाँ पे जो डेटा डेटा दिख रहा है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, सो लेट मी
rename this to image data, और यहाँ पे भी image data कर देते हैं. और क्योंकि हम कोई strong reference create नहीं करना चाहते तो इसीलिए यहाँ पे we are going to add weak self. अब इस get image function को हम यहाँ पे call करेंगे inside the init. So now our image downloader is ready. So let's jump to the lazy image.swift file. तो यहाँ पे हम एक property create करेंगे of the observed object type var image downloader of the type image downloader. एक init function create करेंगे. अब ये जो init function एक parameter accept करेगा that is going to be image URL which is of the type string. और इस image URL में जो image होगी उसे जो हमारा image downloader है उसे download करेगा. I'll write image downloader, image URL. अब यहाँ पे एक error आ रहा है, so let's fix that. अब हमारे view में थोड़ा changes कर लेते हैं. So यहाँ पे I'm going to write image downloader dot downloaded image. यानी कि अगर image downloader ने image download कर लिया है तो जो downloaded image है वो display होना चाहिए. Otherwise ये जो default image है वो display होना चाहिए. So let me build it to see if everything is working fine. Build succeeded. अब हमारे content view में यहाँ पे जो हमने image add किया है we'll delete this and we'll just write lazy image, image URL that is animal dot image. So now let's run the application. So अभी आप देख सकते हो कि जो images हैं वो download हो चुकी हैं and let me scroll. तो ये जो raccoon का image है वो अभी तक download नहीं हुआ है. So let's wait for a couple of minutes and now you can see the images over here. So let me scroll. स्क्रॉलिंग में कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग लुक्स गुड, परफेक्ट. सो अभी हमने लेजी लोड टेक्निक यूज करके हमारे इमेजेस को शो कर दिया है लिस्ट पे एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. स्क्रॉलिंग में कोई इश्यूज नहीं है प्लस एवरीथिंग इज लुकिंग गुड. सो अक्सर जब चीजें काम करती है तब हम एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, दैट इज मेमरी कंजम्पशन. तो चलिए लेट मी शो यू द मेमरी कंजम्पशन ऑफ दिस. सो लेट मी, सो यहां पे आप देख सकते हो कि जो मेमरी है दैट इज 130 MB और जो इमेजेस मैं शो कर रहा हूँ दैट इज दे आई थिंक दे आर जस्ट 24 इमेजेस के लिए द मेमोरी साइज इज इंक्रीजिंग टू 130 MB. एंड लेट मी स्क्रॉल टू सी कि ये जो मेमोरी साइज है ये इंक्रीज होता है क्या. सो दिस इज जस्ट स्टक टू 130 MB. आई थिंक 130 MB जस्ट टू शो 24 इमेजेस इज अ लॉट एंड दिस इज बिकॉज हम इमेजेस को रिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसे एज इट इज ड्रॉप कर रहे हैं हमारे व्यू पे. सो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सटेंशन बनाया. सो लेट मी स्टॉप द एप्लीकेशन inside the image downloader. यहाँ पे I'll just paste the extension for UI image and before I assign the image over here let resized image is equals to, इसे copy कर लेते हैं, paste resize image with CG size 100 by 100. अब ये जो साइज है यहाँ पे मैंने 100 by 100 इसलिए दिया है बिकॉज इनसाइड द लेजी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्रेम है मैंने 100 by 100 दिया है. सो यू कैन एडजस्ट इट एज पर योर व्यू. सो नाउ लेट मी रन द एप्लीकेशन. सो यहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं. सो लेट मी स्क्रॉल. स्क्रॉलिंग में कोई इशू नहीं है लेकिन ये मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है. सो लेट्स हेड ओवर टू द डीबग व्यू और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज जस्ट 67.4. तो पहले था 130 and now it is 67.4. So let me scroll and see कि ये जो 67.4 है ये increase होता है या decrease होता है. तो अभी 67 से 62 हो गया. So let me just scroll this. Perfect. आज का जो demo था वो काफी simple था और basic lazy loading में हम उसे use भी कर सकते हैं. लेकिन हर iOS app एक जैसा नहीं होता. अगर आपके app में आप बहुत ज़्यादा images को download कर रहे हो, से फॉर example यू आर बिल्डिंग द नेक्स्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो उस केस में लेजी लोडिंग के साथ साथ आपको स्मार्ट कैशिंग मैकेनिज्म भी डिजाइन करना होगा. और इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा SD Web Image Swift UI. ये SD Web Image Project से ही बना हुआ है तो SD Web Image के सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज ओपन सोर्स, इट हैज एन MIT लाइसेंस प्लस अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन. इस रिपोजिटरी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, सो डू चेक इट आउट. और अगर आपको भी कोई थर्ड पार्टी के बारे में पता है जो स्मार्ट कैशिंग करता हो तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना, आई विल श्योरली चेक आउट दोस. सो दैट बीइंग सेड, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था. वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कॉमेंट्स में बताना. एस यू नो आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स. प्लीज डू लाइक द वीडियो और चैनल पे नए हो और कॉन्टेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करना.
Until then, this is Ravi. I'll see you soon. Have a nice day and happy iCoding. Bye-bye.